प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आने वाले दिनों में गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने जा रही है। 55 घंटे के लॉकडाउन के पूरे होने के बाद कई जिलों में दुकानों के खोलने और बंद करने के समय के साथ लोकल यातायात पर निगाह रखी जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह ने बताया कि सोमवार को जब दुकानें खुलेंगी तो नियमों के बदलाव के साथ दुकानें खुलेंगी। सोमवार से दुकानें सुबह 9 बजे खुलेंगी और रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। साथ ही दुकानें एक दिन के अंतराल के बाद खोली जाएंगी। नए नियम के साथ प्रदेश में दुकानें खुलेंगी, सोमवार से ये नया नियम लागू होगा। देखिए, वर्तमान में 13 जुलाई के प्रातः 5 बजे तक, अर्थात सोमवार के प्रातः 5 बजे तक यह लॉकडाउन है और उसके बाद जिस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे उसी का अनुपालन कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं जनपद लखनऊ के लिए बताऊं कि 13 से हमारे जो बाजार हैं वो ऑल्टरनेट, अर्थात एक के बाद एक दुकानें ही खुलेंगी। साथ ही साथ ये इनके खुलने का समय 13 तारीख से प्रातः 9 से 8 के मध्य ही रहेगा। इसके अलावा जो हमारे ऑटो रिक्शे टेम्पो, ये 13 की बात की मैं व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। प्रदेश सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश में 55 घंटों का लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन के दौरान शहरों में साफ सफाई व्यवस्था की जाएगी और साथ ही निजी और सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें सैनिटाइजिंग किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान को और बढ़ावा दिया जाएगा, यानी ऐसे अभियान और चलाए जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सोमवार से यानी 13 जुलाई से कुछ नियमों में बदलाव किया जा सकता है। जैसे जिलों के जिलाधिकारी ये निर्णय ले सकते हैं कि दुकानें जो ज़्यादा समय के लिए खुल रही थी वो कम समय के लिए खुलेगी, अल्टरनेट दिनों में खुलेगी। साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और जिसमें सवारियां चलती हैं उनमें उनकी क्षमता के अनुसार ही सवारियों को बैठाया जाए और साथ ही मास्क लगाने पर कड़े निर्णय सरकार ले सकती है, यानी कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है, जिसके संकेत प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV लखनऊ।